कमल पंजवानी जी का बेटा हूँ, हर्ष ट्रांसपोर्ट से। जी अच्छा महेश, इट्स ए प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम अंकल, अच्छा अभी पापा ने कहा आपसे बात करनी है। हाँ, देखो बेटे, आज के हालातों में जी नेतागिरी तो आपको मालूम है कहाँ चल रही वेरी ट्रू जी है ना, और आपको ये भी मालूम है कि ये नेता सब प्रोफेशनल नेता है, जी मतलब इनका व्यवसाय ही नेतागिरी करना है। जी मानते हैं कि नहीं बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं अंकल। अच्छा, तीसरी बात है कि जो 2019 का पार्लियामेंट बना है उसमें 42% लोग क्रिमिनल्स हैं, ओके ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं, दिस इज सरप्राइजिंग। अच्छा, तो इसमें 42% जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटियंस हैं जी उनके उनको इलेक्शन कमीशन में अपना एक एफिडेविट सबमिट करना होता है, हाँ करेक्ट, तो क्योंकि उस क्रिमिनल एफिडेविट के रिकॉर्ड्स हिसाब होते हैं। से 42% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं दे आर हैविंग द क्रिमिनल रिकॉर्ड, माय गॉड राइट। जी और इनके में से 29% लोग तो इतने मतलब उनके विरुद्ध जघन्य अपराध कायम है, ओ ठीक है ना? जघन्य जी अपराध से मतलब है मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, हाँ, रेप, सीरियस चार्जेस हैं, सीरियस चार्जेस हैं किडनैपिंग। जी। अब ये एक बड़ा वेकअप कॉल है जिसको हम और आपको सबको संभालना होगा, ठीक है ठीक है ना? यदि हम इसको नहीं संभालेंगे तो हमारा भविष्य बहुत गर्त में जाने वाला है, ठीक है ना? ठीक है ठीक है सभी नेताओं को क्रिमिनल रिकॉर्ड के नेता ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि वो आसानी से जीत जाते हैं। हाँ, उनके पास मनी पावर है और इन्फ्लुएंसेस मसल हर पावर तरीके है, के हैं। डर है, भय है, पैसा बिल्कुल है, सब कुछ है उनके जी पास। अच्छा, और पार्टियों के पास कोई अपनी ना नीति है ना सोच है, तो आप हमें जीत से चाहे मतलब कांग्रेस से आ जाओ, चाहे सपा से आ जाओ, चाहे बसपा से आ जाओ, कैसे एन किन प्रकार हमारी सरकार बनना, है। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची राइट। बात है तो जी पॉलिसी और नीति तो रहनी गई है, जी क्रिमिनल्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जी तो क्या 2024 का जो चुनाव होगा उसमें क्या ये क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग जो है वो 50% का मार्क क्रॉस कर जाएंगे क्या? इट्स अ बिग क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम द लीडरशिप। एग्जैक्टली नहीं, उनसे नहीं पूछना है, तो अपनों को जवाब देना है। तो अभी तक का यदि हम ट्रेंड देखें तो ये निश्चित तो तौर पे बिल्कुल हो फिफ्टी जाएंगे, बिल्कुल हो परसेंट जाएंगे, से भी ऊपर पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेंगे तो अंकल। जब आपके पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा क्रिमिनल्स होंगे तो ये डेमोक्रेसी होगी या क्रिमिनोक्रेसी होगी? ऑब्वियसली क्रिप्टोकरेंसी होगी और आगे जाके हमारी देश का भविष्य भी ऐसे माइंडसेट्स के पास है जिनके माइंडसेट से हम कुछ भी प्रॉमिसिंग नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। इसका मतलब ये है कि ये ना केवल क्रिमिनल होंगे बल्कि मोटी खाल के होंगे, कानून बनाने की शक्ति भी उनकी होगी, कानून का पालन कराने की भी शक्ति उनकी होगी, बिल्कुल होगी पुलिस भी उनकी होगी, डंडा भी उनका होगा। हाँ, प्रशासन उनके साथ होगा। प्रशासन के तो वो भाग्य विधाता हो, बिल्कुल बिल्कुल तो अंकल, प्रशासन तो उनका गुलाम होगा। बिल्कुल होगा। जिस तरह तो की स्थिति है बिल्कुल कहा जा सकता है, ऐसा हो सकता है। हम एक बहुत बुरे भविष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल बढ़ रहे हैं अंकल, ये लॉन्ग टर्म अगर सोच रखें तो बढ़ रहे हैं, शॉर्ट टर्म सोच में लोगों को फर्क अब वरना नहीं पड़ दूसरी रहा। बात करें, ये आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगला विश्व युद्ध जो है वो केमिकल्स का वो होगा। पानी के कारण होगा, ये आपने सुना है? नहीं सुना जी, है ना? बिल्कुल जी और हमारा कहना है कि जो यदि हम कह रहे हैं यदि वो कर दिया जाएगा तो कोई तीसरा विश्व युद्ध ही नहीं होगा। ओके। तो ये हम हम क्या बहुत विचार रख रहे हैं अभी 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 थोड़ा सा देर से थोड़ा सा उसको थोड़ा चीजों को खोल उसके एक जी पृष्ठभूमि बनाते हैं ना जिससे थोड़ा सा क्लाइमेक्स आए सीन में। जी देखिए, जी जी आप ये मानते कि नहीं मानते कि हरित क्रांति में जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज किया गया उसके ओवर यूज के कारण हमारा खाद्यान्न विषाक्त हो गया, बिल्कुल हो गया। हाँ, यही है। इनफर्टिलिटी रेशियो बढ़ गया, लोगों का अभी उस पर मेंटल हेल्थ अभी इफेक्ट आ दूसरे से गई। धीमे से आएगा उसके ऊपर। अभी आप ये देखिए कि जो जहां पे खाद्यान्न पैदा हो रहा है और जहां पे खाया जा रहा है उस पंजाब में ढेर सारी कैंसर ट्रेन चल रही है। आपको चूंकि आप उसी एरिया को मेरे ख्याल से आपके रिलेटिव वगैरह वहां होना जी जी चाहिए जी तो जी ये है जानकारी आपके ज्ञान में जरूर होगी, जी है अंकल है ना? उन जी वहां का यूथ जो है ड्रगिस्ट भी हो गया है, जिसमें मेरे ख्याल से किसने कहा था कि साहब 85% यूथ दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, बिल्कुल है।
इंटॉक्सिकेंट हैं। टॉक्सिकेट हैं, दे हैव बिकम ड्रगिस्ट बेसिकली वो, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, है ना। कोई शौकी या कोई आदतन। पहले तो सब शौकिया ही होते हैं, फिर धीरे आदत पड़ जाती है। जी अच्छा, अब जो है आप इतना ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डाल रहे हैं कि आपकी जमीन जो आपने कहा है कि सेलाइन हो गई है, फर्टाइल इनफर्टाइल होती जा रही है, और उस पे केमिकल तैरने लगा है। बिल्कुल, वो केमिकल जब गर्मी में उड़ता है और बादल में जाता है, इवेपरेट तो हो गया, एडजॉइनिंग एरिया एरिया में एसिड रेन होने लगी। बिल्कुल बढ़ गई है, बढ़ गई कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ गया है अपना। करेक्ट। और अंडरग्राउंड वाटर में भी वो केमिकल पहुंच गया है, तो हमारा पीने का पानी भी विषाक्त हो गया है। बिल्कुल हो गया बिल्कुल कि हो नहीं हो गया, गया? बिल्कुल बिल्कुल काफी जगहों पे हो गया है। अब देखिए, हमारे नदियों में पानी था, समुद्र में पानी था, जमीन के नीचे पानी है, राइट, बादलों में जी पानी है, ग्लेशियर में पानी है, और हमारे शरीर में भी 70% पानी है। हम सब बिल्कुल, लोग चलती फिरती बोतले हैं, इसके बावजूद हम जो है अपनी दुष्टता से इस पानी को खराब कर पाए और उसे वाटर बॉटल में बेच पाए। ये पानी 20 रुपए से लेके 150 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ बेचा जा रहा है वहां बेचा जा रहा बिल्कुल है कि नहीं? यदि बिल्कुल है आप ऐसे। 5 स्टार होटल जैसी जगह जाएंगे तो वो 150 या 200 रुपए का मिलेगा, हाँ बिल्कुल, है कि हाँ नहीं? जी तो ये तो अकेली रही केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की बात। जी फिर हम अपनी दुष्टता से लाभ कमाने के लिए गायों को, भैंसों को, बकरियों को, सबको हार्मोनल इंजेक्शन देने लगे, राइट, हाँ, ओवर प्रोड्यूस लेने के लिए। उनसे प्रोडक्शन लेने के लिए, उनसे दूध लेने के लिए। तो जो है वो हार्मोनल इंजेक्शन जो है वो कैंसरस है, कार्सिनोजेनिक है इन नेचर, ठीक है ना। बिल्कुल है, फिर हमने मुर्गियों को भी जो है ना वही इंजेक्शन घुसड़ दिया, तो जो है देना ना चालू कर अंडों दिया। में भी वो विष चला गया। जी और अब हमारी दुष्टता तो यहां तक पहुंच गई है कि फलों और सब्जियों में भी हमने हार्मोन्स देने लगे। हाँ, नाइट्रोजन से उगाने लगे, जो करेक्ट। सब्जियां 6 महीने में उगती थी वो 2 दिन में उग रही हैं। तो ये जो चीजें आप प्रकृति के विरुद्ध कर रहे हैं, जी ये प्रकृति के प्रति अत्याचार है, राइट। बिल्कुल है प्रकृति। अब आप ये देखिए कि आप जितना दूध पी रहे हैं उसका 1/3 दूध ही पैदा हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो 2/3 दूध कहां से आ रहा है? यही सब इंप्रोड्यूस है। ये सब आ रहा है केमिकल चीजों से, यूरिया वगैरह, जी राइट। जी और जी जी इसके जी बारे में एक रिसर्च है जो कह रही है कि यदि हम जो है ये केमिकल ओरिजिन के दूध और दही को खाएंगे और उसके प्रोड्यूस को खाएंगे, तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। कितना? 87%। 57% बिग अच्छा, तो नंबर। अब केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड एक तरफ हो गए, हार्मोन्स एक तरफ हो गए हैं, और ये नकली दूध एक तरफ हो गया है, ठीक है ना। इन सब से मिला के हमारी पॉपुलेशन का लगभग हर 3 में से 2 आदमी कैंसर से या ऑटोनोमस डिसीजेस से सफर करे। बिल्कुल हो रहा है, ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ रही हैं आजकल यंग्स में। वेरी ट्रू। इसका मतलब है जब एक घर से 2 लोग जो है ना अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रहे होंगे, तो उसको अटेंड करने के लिए एक आदमी और चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल इसका मतलब है कि 99% ऑफ द पॉपुलेशन कैंसर से लड़ रही डायरेक्ट होगी इनडायरेक्ट, या बिल्कुल कैंसर को डायरेक्ट संभाल रही इनडायरेक्ट, होगी, है बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी दुनिया डायरेक्टली या उसी पे लगी इनडायरेक्टली होगी। वो कैंसर रिलेटेड अफेयर में बिजी होगी। जी उस समय हम लोगों की मानसिक स्थिति क्या होगी, फिजिकल स्थिति क्या होगी? मानसिक स्थिति क्या होगी, फिजिकल स्थिति क्या होगी, और हमारी जो है आर्थिक स्थिति क्या होगी, बहुत बहुत ही दयनीय नहीं गंभीर होगी? होगी, बहुत गंभीर होगी, और शायद सरकार भी केपेबल नहीं होगी उसको संभालने के लिए। करेक्ट। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आयुष योजना है कि वो 5 लाख से, उस 5 लाख से तो बघार भी नहीं कुछ नहीं लगे, होगा, कुछ है भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा सर। ये तो कोविड का हाल है, ये स्थिति हम खुद दोहराएंगे बाद में। कोविड में भी तो बदमाशी है। कोविड में पैरासिटामोल से जो है ना हमने अपनी इम्यूनिटी को नहीं लड़ने दिया कोरोना से, फिर हमने एंटीबायोटिक देके जो है ना अपने को कमजोर कर लिया, और जब एंटीबायोटिक से कोरोना वायरस मरता ही नहीं है तो हम एंटीबायोटिक क्यों दे रहे थे? कोई ऑपरेशन किया था शरीर के अंदर क्या? बिल्कुल सही बात और है, फिर हमने स्टेरॉइड दे दिया तो हमारी इम्यूनिटी सो गई। तो जो जितनी मौतें हुई हैं वो हमारे इलाज के कारण हुई हैं। बिल्कुल जिन हुई हैं, लोगों ने बिल्कुल नींबू का रस डाल लिया उसमें से मुझे बताओ एक भी यदि ऐसा व्यक्ति हो जो मरा हो तो बताओ।
नहीं, जिन लोगों ने अपना घरेलू उपयोग किया और अपनी इम्यून को बूस्ट करते रहे एलोपैथी के साथ साथ, उनके बचने के 99% चांसेस ज्यादा थे। जो प्योरली हमने तो डॉक्टरों इसके के हाथ बारे में में गए वो एथिकल चले कि गए। जो है आप नींबू का रस नाक के माध्यम से डालिए दो दो बूंद और हाँ कोरोना वायरस को वो मार देगा। वो जो है लंग्स में जो पहुंच गया उसके कोरोना को वॉमिटिंग के साथ बाहर निकाल देगा। और फिर यदि आप पानी में दो नींबू को निचोड़ के लेंगे तो वो लंग्स में भी पहुंच पाएगा। हाँ उसके हाँ, एंजाइम्स एक्टिव कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही था। और वो रिसेप्टर पे जो कोरोना वायरस बैठे उनको भी मार देगा। बिल्कुल कुल मिला के इस लड़ाई में आप एक बहुत ही भयानक स्थिति में पहुंचने वाले हैं, राइट? तो बिल्कुल, हमारा जो इनिशिएटिव था वो क्राइम फ्री भारत का, मैंने उसे थोड़ा सा उसमें अभी इतना ब्रॉड सेकेंडरी व्यू सेकेंडरी है। स्पान में डाल दिया है, राइट? ठीक है, मुझे लग रहा है कि उसके पहले हमें एग्रो और आयुष में जाना पड़ेगा। इसकी लड़ाई पहले लड़नी पड़ेगी, हाँ, वो ये लड़ाई हम नहीं लड़ अवेयरनेस रहे हैं, पहले वो कॉस्मोस लेंगे। लड़ रही है। तो जी कॉस्मोस से बहुत डाउनलोड प्राप्त हो रहे हैं, जी ठीक है ना? तो जी हम लोग जो है उस कॉस्मोस की लड़ाई में जो है, क्योंकि कॉस्मोस हमारी मदद कर रहा है, तो हम जी एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम लेके आए हैं। ठीक तो है महेश, मैं आपसे अनुरोध ये करूंगा कि जी आप YouTube चैनल पे जाइए और क्राइम जी फ्री भारत टाइप करिए, उसे सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों को सब्सक्राइब को करेंगे, ठीक है बिल्कुल ना? अंकल, अभी करता आप हूँ। मुझे ईमेल आईडी भेज दो, फिर हम जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करेंगे और वो ठीक है, वीडियो जो है वो क्राइम फ्री भारत पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है अंकल, और बिल्कुल हमारा करते कहना, हैं। इसमें एक ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल है जो जी सब चीज की धुरी होगी। तो चूंकि ठीक आपके है पापा और आप लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं और जी आप एक रिलेटिवली युवा लड़के हैं, तो हम आपकी सोच को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि जी हम जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उन सबको सीएफबी का जो है अंग बना के उनसे ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं। बिल्कुल और उनकी अंकल, जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम उनके लिए हम टेक्नोलॉजी भी खुद बनाएंगे, समस्याओं का निदान भी हम करेंगे। नहीं एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी बात, कम से कम कहीं पहुंचेगी सही तरीके कहीं से। नहीं पहुंचाना है, कहीं नहीं पहुंचाना है, ये कहीं ओके पहुंचाना ही नहीं है, ये तो खुद सॉल्यूशन बनाना है, जमीन पे उतारना है। क्योंकि ओके, आप कहीं पहुंचाओगे तो उसे तो आपकी समझने की क्षमता नहीं है। क्षमता ही नहीं है। अच्छा, वो किसी न किसी लॉबी के डरावों में है। हमने तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को 4 पत्र लिखे हैं और उसमें ये बात लिखी थी कि नींबू के रस से जो ना कोरोना वायरस मर रहा है और हम 6 दिन में जो इस देश को कोरोना मुक्त कर सकते हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी को तो सुनाई नहीं दिया, वो तो कहते हैं कि हम हर बच्चे की बात भी सुनते हैं। तो उन्हें एक बैठे हुए डीजी का, जो कि इतने साल का उसे अनुभव है, उसकी बात तो उन्हें सुनाई नहीं दी। फेडरल इंटरेस्ट बहुत दूसरे हैं ना, जिसको कमेंट नहीं किया जा सकता। बेसिकली इसमें बहुत सारी लॉबीज हैं और ये लॉबी के बोझ में सभी लोग दबे हुए हैं। ओके देखिए, ये भी दुष्टता है कि हम इन्हें इंडिविजुअल बॉन्ड जारी किए पॉलिटिकल डोनेशन के लिए और वो अनोनिमस बॉन्ड जारी किए। मुझे तो इसमें पूरी सोच में ही दुष्टता दिखती है। आप ये करना ही नहीं देखिए, चाहिए। 1,78,000 करोड़, 1,78,000 करोड़ की नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंडस्ट्रियलिस्ट की जो है माफ कर दी गई है और इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा लिया गया है। उस फंड में डाइवर्ट तो ये करा क्या है। दुष्टता नहीं है? ये देश के बिल्कुल प्रति दुष्टता नहीं है? ये अंकल, इतनी लिटरेसी कहाँ है लोगों को। इस टाइम इन्होंने इतना उलझा आप रखा ये है इन सब बताइए, चीजों में। प्राइम मिनिस्टर का जो डिजास्टर मैनेजमेंट या रिलीफ फंड है उसे ओपेक बना दिया गया है। इसमें पैसा कहां से आ रहा है? पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का तो ये पैसा, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना। बिल्कुल इसका मतलब है एनकेन प्रकार सत्ता स्थापित करना ही ध्येय है, इस देश को आगे बढ़ाना उतना ध्येय नहीं है। और जो आगे बढ़ाने की कुछ अच्छी नीतियां हैं वो इसलिए उन पे सामने लाई ध्यान ही जा रही नहीं है है। कि यदि कुछ दिखाने के लिए नहीं होगा तो फिर कोई वोट भी नहीं देगा बिल्कुल हाँ, क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं और हीरो ना। बन रहे हैं नहीं, सॉल्व बेचारे। करना तो वही नहीं है, उससे लिए जो है ना, जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए आय का साधन पैदा कर रहे हैं और आपको मौत के साधन पैदा कर रहे हैं। तो महेश, अभी इस बातचीत वार्तालाप को हम यहीं पे समाप्त कर जी लेते हैं जी और अंकल आप मुझे ईमेल आईडी भेज दीजिए, जी, हम मैं रात तुरंत, आज तक एक बार आपसे जो है ना वीडियो बेस्ड बात करेंगे, ठीक है अंकल, ठीक है बिल्कुल ना? और उस समय तब तक आप दिमाग लगा लीजिए कि जी ट्रांसपोर्टेशन का आपको मॉड्यूल मुझे समझाना है, उसकी इंट्रीकेसी समझाना है, जिससे हम जो है ट्रांसपोर्टर्स के लिए ज्वाइंट वेंचर जो है ना तैयार कर सकें। ये ठीक बहुत है जरूरी है। और बिल्कुल ट्रांसपोर्टर जो है के ऊपर जो कॉस्ट आएगी, हमने एक सिस्टम निकाला है
जिससे हम कॉस्ट को, अभी तक क्या होता है कि कोई चीज की कॉस्ट मिला के फिर उसके ऊपर हम प्रॉफिट जोड़ के अपनी प्राइस बनाते हैं, राइट। जी हमने उस सिस्टम को तोड़ दिया। हमने ठीक कहा है है कि कॉस्ट अलग जाएगी और प्रॉफिट अलग जाएगी, और हम कॉस्ट को जहां चाहेंगे वहां अलोकेट करेंगे। लोकेशन वैसे हो जाएगा। हाँ, अलोकेशन बेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम जहां कंज्यूमर को सस्ती चीज पहुंचाना चाहते हैं, वो सस्ती चीज पहुंचाएंगे। ठीक है जहां हम अपने लेबर को लाखों का जो है ना वेतन देना चाहते हैं, वो हम दे पाएंगे, और उससे रिलेटेड कॉस्ट जो है ना हम किसी दूसरे अकाउंट में डालेंगे। तो कॉस्ट का अलोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके हम सभी लोगों को माला माल कर रहे हैं। ठीक है। तो अंकल इस पोर्टल का मूल धार क्या होगा कि ये मील लोग। इसका इसका पहला मुख्य उद्देश्य जिसे पैदा किया गया जी था, क्योंकि मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म था, तो जी हमने ये सोचा था कि हम इस देश को अपराध मुक्त करेंगे, और ठीक इसको है अपराध मुक्त करने के लिए पांच जो सिद्धांत इसके लिए इजाद किए गए थे। पहला सिद्धांत था कि बिना थाना जाए आपकी लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर हो, और यदि ठीक है आप फर्जी एफआईआर करेंगे तो उसी सिद्धांत के साथ आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ठीक है ठीक ना। है ठीक है दूसरा सिद्धांत था कि बहुत ही साधारण पुलिस ऑफिसर से भी बैकएंड इंजन इतनी इन्वेस्टिगेशन लीड देगा और इविडेंस को इस ढंग से कलेक्ट करा पाएगा कि हर ऑफेंस एक साधारण सा एकदम एकदम कम दिमाग का पुलिस ऑफिसर भी उसे सॉल्व कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा। ठीक ठीक है है ना। और ठीक है इतने इविडेंस कैप्चर कर पाएगा कि हम बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर हम जो है ना जुडिशरी की मदद करते हुए 15 दिन में उसे कन्विक्शन दिला पाएंगे। ओके और फिर जो है बैकएंड इंजन पे जो इविडेंस कलेक्शन और जी वेरिफिकेशन का जो है ऐप के थ्रू हम पब्लिक को जोड़ेंगे, तो हम बहुत सारा ऐसा डाटा कलेक्ट कर पाएंगे जिससे हम 80-90% केसेस में विद सर्टेनिटी अपराध को घटित होने के पहले गठित। रोक पाएंगे, राइट। हाँ रोक बिल्कुल जो प्रोएक्टिव 10-20% एक्शंस नहीं हो रोकेगा उसमें प्रॉम्प्टली जाएंगे वो आगे एफआईआर दर्ज बढ़ेगा। होगी, डिटेक्ट होगा और जेल में 15 दिन में उसको कन्विक्शन हो जाएगा। ठीक है तो जो क्राइम के करने के कारण जो इंसेंटिव मिलता है, वो इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। बिल्कुल और फिर सवाल उठता है कि जो यदि आपको सभी अपराधियों के बारे में मालूम है, तो आप उन्हें अपराधी का बिल्ला क्यों देना चाहते हैं? आप उन्हें रिहैबिलिटेट करके अच्छा नागरिक बना दी। तो और अंकल इसमें ये जो पांच रेवेन्यू ये स्ट्रीम भी थी, वो ओके रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी भारी थी कि हमें टैक्सेस अपने डेवलपमेंट के लिए भविष्य में सरकार को टैक्स जो है वो टैक्स से मनी नहीं चाहिए होगा। हमारी 5 रेवेन्यू स्ट्रीम गवर्नमेंट को माला माल कर देगी, और हम टैक्सेशन को 30%, 20%, फिर 10%, फिर 5%, फिर 2%, मिला के उसको 1% खत्म पे ले कर देंगे। आएंगे। और 1% पे लाने पे भी आज जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है टैक्सेशन में, शायद उससे ज्यादा पैसा फिर भी इकट्ठा हो रहा बिल्कुल होगा अंकल बिल्कुल होगा है, 1% अगर पे, करेक्ट। ट्रांसपेरेंट पे है तो बिल्कुल होगा। तो अंकल ये सरकार हमारी बात सुनेगी सरकार को सुनाई नहीं रहे हैं। तो ये सुधार कैसे लाएंगे हम इसके लिए हमने अवेयरनेस। फिर कई मॉडल बनाए हैं। एक एग्रो मॉडल बनाया है, एक आयुष मॉडल बनाया है, एक ई कॉमर्स मॉडल बनाया है, ठीक एक है इन्फोटेनमेंट मॉडल बनाया है, एक मीडिया एंड पब्लिसिटी मॉडल बनाया है, एक नेगेटिविटी फ्री मॉडल बनाया है, एक एक्सीडेंट फ्री भारत मॉडल बनाया है, एक एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन भारत भी बनाया अच्छा है। हम नेगेटिविटी हाई वैल्यू भारत पैदा करेंगे, अधिक भारत करेंगे, वो भी अपनी स्ट्रेंथ पर, राइट। ठीक है तो इन सब में हम जैसे लोग आके जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे वो लोग होंगे अभी यंग आपको जो होंगे। है ना हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट मान रहे हैं, ठीक है तो हम आपसे ट्रांसपोर्टेशन का हमारा क्या सिस्टम होगा, हम आपकी जी बात समझना चाहेंगे और अपनी बात समझाना चाहेंगे, और फिर ठीक हम है चाहेंगे कि उस पर आप रिसर्च करिए और उन लोगों की सूची बनाइए जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में है, और वो सब ट्रांसपोर्टर हमारे ज्वाइंट वेंचर के तहत हमारे मेंबर बन जाएंगे। उनकी ठीक है जो है ट्रांसपोर्टेशन विल बी वर्किंग फॉर 24 आवर ए डे, राइट। ओके और ठीक उन्हें कहाँ क्या माल जाना है ये चिंता उन्हें नहीं पालना है, ये सीएफ भी चिंता पालेगी, ओके। हाँ तो वो ट्रांसपोर्टर भी माला माल हो जाएंगे, अगर परेशानियां नहीं होंगी और तकलीफें नहीं होंगी पुलिस तंग रास्तों नहीं पे कर तो पाएगी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ उसकी मेंबरशिप होगी तो लोग हाल नहीं, वो तंग बिल्कुल करें, यदि वो तंग करेंगे तो इविडेंस कैप्चर होकर जेल चले जाएंगे ना, है ना। तो जी ये व्यवस्था हमें अपनी स्ट्रेंथ पे पैदा करना है। तो ठीक है आप अपना अंकल ईमेल आईडी भेज दीजिए, हम जी आपसे मैं शाम तुरंत भेजूंगा को बात करेंगे और बेहतर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होगी, और ये यूट्यूब जी अपना चैनल पे अपलोड होगी। तो बिल्कुल बेटे जो भी बात करना है वो जिम्मेदारी के साथ करेंगे, बिल्कुल अंकल ठीक है ना। जी जी चलिए, गॉड ब्लेस यू बेटे, थैंक यू थैंक ओके, यू बाय बाय। थैंक यू।